ओए काटे चुप्पी पीछे है, ओए पाव ठंड लग रही है। अरे मामा वेलकम बैक टू द रिव्यू। तो आज की वीडियो हमने होस्ट की थी एक छोटी सी घर में हमारी इफ्तार पार्टी, और मेरे कज़न आए थे। तो जब वो आए थे तो हम मिले और हम बैठे, थोड़ी देर बातें की, फिर उसके बाद वी स्टार्टेड प्लेइंग गेम्स, मी एंड माय कज़न, एंड वी स्टार्टेड प्लेइंग फोर्टनाइट एंड इट वाज अ लॉट ऑफ फन। ही टॉट मी अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड वी वर जस्ट हैविंग अ लॉट ऑफ फन। आफ्टर दैट गाइस it was time for gifts, and they gave me a gift because they couldn't like attend my birthday party, so it was like a late gift, but I really liked it. Wait, there's yo. The yeah. I love those. Does he like those? Ah. He loves those. Oh, really? Yeah. Yes, every time I pop it. Oh, card to bahut zabardast hai. सो आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छे जा रहे हैं, और मैं पूरे रोज़े रखता हूँ। तो अभी मैंने रोज़े तो इजी जाते बिकॉज़ इन कैनेडा इट्स कोल्ड राइट नाउ, इवन दो स्प्रिंग जस्ट स्टार्टेड, अभी कोल्ड हो रहा है, तो आपको इजी से रोज़ा फील नहीं होता था ना, रोज़ा नहीं लगता। बट द ओनली थिंग इज़ दैट यू वांट टू ड्रिंक वाटर, एंड व्हेन यू स्टे एट होम इट्स मच बेटर देन गोइंग टू स्कूल। और गाइस सिंस स्कूल भी स्टार्ट हो रहे हैं मेरे, और मेरे दूसरे प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, तो इसलिए मेरे व्लॉग्स कभी कभी अप एंड डाउन हो जाते हैं, जैसे कभी उस टाइम पर आ गए, कभी वन वीक लेटर आ गए, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ फुल। और गाइस उसके बाद इफ्तार का टाइम हो गया था, तो मेरी मम्मी ने बहुत सारी वैराइटीज़ बनाई थी खाने की, और मैंने भी हेल्प की थी। ऐसी नहीं था कि मैं बैठा हुआ था, मैंने भी हेल्प किया था बहुत, और हमने एक साथ बनाई थी, और मेरी मम्मी ने कुछ न्यू रेसिपीज़ भी ट्राई की थी, तो वो भी थोड़ा एक्साइटिंग था, क्या न्यू सरप्राइज़ है। और गाइस तो मेरी मम्मी ने फ्राई आइटम बनाया था बहुत सारे, क्योंकि हम इफ्तारी में, मैं और मेरी सिस्टर प्रेफर ये करते हैं ज़्यादा, क्या आप इफ्तारी में फ्राई आइटम खाओ। सो मेरी मम्मी लेके आ गई थी मेरा केक, लेट बर्थडे केक था, लेकिन मुझे बहुत पसंद आया था, बहुत टेस्टी भी बहुत था, और इसके लेयर्स भी थे, तो सो व्हेन शी गॉट इट आई लव्ड इट एंड इट वाज वन ऑफ माय फेवरेट्स। Okay guys, so after that we at the next day, well उसके बाद हम आगे थे इधर कराची पॉइंट। हमारा बहुत दिल चाह रहा था कुछ बारबेक्यू खाने का, तो हम बारबेक्यू इसलिए इधर आए थे खाने के लिए, और हमें लगता है कि बहुत फ्रेश होती है इनकी लाइक चिकन, आप कह सकते हो चिकन और मलाई बोटी, तो इसलिए हम इधर आ गए थे। और इधर डील्स भी थी, जैसे इफ्तार प्लेटर था और सहरी प्लेटर भी था, तो बहुत सारे ऑप्शंस भी थे, लेकिन हमने एक्चुअली अपना यूजुअली ऑर्डर किया था, और उसके साथ हमने इफ्तारी प्लेटर भी लिया था जो ये रहा, जिसमें वो पकौड़े डाल रही थी, और आई थिंक फ्रूट चाटी और दही बड़े थे, तो ऐसे ऐसी और इमली की चटनी थी, तो पूरा छोले भी थे तो पूरा लाइक इफ्तार का प्रॉपर था। तो मैंने तो सिर्फ अपनी चिकन के लिए वेट किया था जब आई थी,
तो अच्छा था ये, बहुत टेस्टी था। आई थिंक हमने डिसाइड किया था हम सैरी के लिए भी आएंगे, लेकिन देखेंगे अगर इनका सैरी का प्लेटर कैसा होता है। और इधर ही उनके साइड पे एक रोज़ा का एक कंटेनर था। ओके 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 बोल रहे हैं। हाँ ओहो, आप भी खाएंगे? मैं तो खाते नहीं। इधर प्रे रूम था, लेकिन छोटा सा एक कॉर्नर में बना था, और मैंने तो प्रे लाइक कर लिया था उधर, लेकिन लाइक वुमेंस के लिए कोई प्रे रूम लाइक साइड में नहीं था, तो आपको उधर ही कहीं प्रे करनी थी, तो मेरी मम्मी और सिस्टर ने वही पीछे कर ली थी। ओके गाइस, तो अब हमारा खाना आ गया, और मैंने ऑर्डर किया था, मैंने स्पेशली ऑर्डर किया था अपना चिकन टिक्का किया था, और वो भी आ गए, अब हम खाएंगे। सो लेट्स गो। और मेरी सिस्टर को फ्राइज और बर्गर्स भी आ गए। तो व्लॉग बड़ा लंबा हो गया यार, मैंने एडिटिंग